डीआईजी संतोष कुमार ने राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। बताते चलें कि मरहूम अख्तर हुसैन की याद में सकूराबाद में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन सकूराबाद में किया गया। इसका उद्घाटन डीआईजी संतोष कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता में राज्य भर से कई जिलों की टीमें भाग ले रही। इस एक दिवसीय प्रतियोगिता का समापन आज रात को कैबिनेट मंत्री मोहम्मद जमा खान बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। बताते चलें कि सकूराबाद के पूर्व प्रधान फैयाज गोलू ने बताया कि सकूराबाद में खेलकूद प्रतियोगिता के तहत राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें राज्य भर की चुनिंदा टीमें हिस्सा ले रही हैं। बताते चलें कि कार्यक्रम के संचालक गुफरान सिद्दीकी ने बताया कि गाँव में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इस तरह की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है, इसलिए खिलाड़ियों को खेलों को लगातार अभ्यास करना चाहिए ताकि वे राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर गांव का नाम रोशन कर सकें। कार्यक्रम में आए जिला पंचायत अजीत यादव ने कहा कि खेल हमारे समाज का प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। खेलों में दुष्टता का कोई स्थान नहीं रहता है, हार जीत चलती रहती है। खिलाड़ी को कभी भी हार से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि जीत के लिए मन लगाकर प्रयास करना चाहिए। चंदौली से संवाददाता सूर्यप्रकाश सिंह की एक खास रिपोर्ट। जी अपना परिचय दें आप। मैं फैयाज सिद्दीकी बोलूं, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि लेखपाल सकूराबाद। प्रधान जी बताइए कि आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम था? आज सकूराबाद में स्वर्गीय मरहूम अख्तर हुसैन की याद में 20th एनुअल विश्वा वॉलीबॉल का प्रतियोगिता आज किया जा रहा है। इसमें जो है आप जो टीमें हैं वो टीमें कहाँ कहाँ से टीमें आई हुई हैं इसमें? इसमें धनबाद रेल, मुगलसराय रेल, इलाहाबाद, लखनऊ, एनआर गोरखपुर की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इसमें क्या प्राइज का भी कोई व्यवस्था है क्या? जी जी, जीतने वाले के लिए 30,000 रुपये विनर और रनर अप के लिए 11,000 रुपये इनाम दिखाया जाएगा। खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? खिलाड़ियों को यही संदेश देना चाहेंगे, खेल भाव से खेले और हार जीत लगी रहती है, इसमें कोई हार जीत से कोई मतलब नहीं है, खेल भाव से खेल खेले। जी अपना परिचय दें आप। मैं सिद्दीकी, पूर्व प्रधान सकूराबाद। प्रधान जी ये बताइए कि आज यहाँ पर जो है क्या कार्यक्रम था जो है? आज सकूराबाद की सरजमी पर मरहूम अख्तर हुसैन जो वॉलीबॉल के एक सीनियर खिलाड़ी थे, जिनके याद में आज ये विश्वा टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। इसमें खुशी की बात हम लोगों के लिए कि हम लोगों के गाँव में पहली बार डीआईजी साहब आदरणीय संतोष कुमार साहब मुख्य अतिथि के रूप में आए। हम आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत डीआईजी साहब का स्वागत करते हैं। प्रधान जी ये पूछेंगे आपसे कि अभी तक तो हो रहा है, लेकिन जब समापन होगा तो कोई न कोई टीम जीतेगी, कोई न कोई टीम हारेगी, और जो टीम हारेगी तो क्या संदेश देना चाहेंगे हारी हुई टीम को? ये तो एक संघर्ष है, जीतना हारना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो जीतता है जो हारता है वही जीतता है, और जो हारता है वही जीतता है।